अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइक डेसिमल इनटू अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। तो अब हमने अनलाइक डेसिमल को डेसिमल लाइक डेसिमल कैसे बनाना है कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए पार्ट 9.5 10 2.86 और 5.98। मींस के हमने पॉइंट के बाद जो है ना, अगर यहाँ पे 2 है नंबर्स, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो इसका सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये अनलाइक से हमने इसको लाइक में कन्वर्ट कर दिया, 86 और 5.98। अच्छा जी, इसी तरह इसका बी पार्ट अगर 4.8 6.06 63.145। अब पहले हम देख लें कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसको यूँ अरे लिख लेंगे 4.800 20 लगा देंगे हम, और एक मिनट, ये 143 के बाद ये कॉमा है, ये नेक्स्ट वैल्यू है। तो अब हमने इसको करना है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ हैं, तो इनको सबके साथ हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 4.80, ये तो ऑलरेडी गिवन है ना, 0.06 और 63.00 और 145.00। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल में। एक पार्ट और कर देती हूँ, बाकी फिर आप खुद कीजिएगा। 0.3 1.457 0.58। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 हैं, तो हम पॉइंट के बाद 3 नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके आगे कितने 0 लगा देंगे, 20, 1.457 और 0.580। नाउ क्वेश्चन नंबर टू है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ये हमारी फ्रैक्शन है और हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10 1s are 10, 10 9s are 90, और यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर डेसिमल पुट किया, नीचे 0 आ गया, 10 2s are 20, तो क्या आंसर आ गया इसका, 19.2। ये इसका ए पार्ट था, ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका बी पार्ट, सेम ऐसे ही हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो इसका क्या मेथड होता है, हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 1s are 100, 300 5s are 500, और यहाँ पे आप पॉइंट पुट करेंगे और इधर 0 आ गया, 100 4s are 400, पॉइंट है उसकी वजह से 0, और 100 3s are 300, 15.43 आंसर। अब सी पार्ट है इसका, 94 divided by 1000। तो अब हमने इसको जब डिवाइड करना है, 94 है, ये 1000 है, यहाँ पॉइंट पुट करेंगे, यहाँ 0, अभी भी ये छोटी वैल्यू है, इससे एक 0 और पुट कर देंगे, 1000 9s are 9000, और इस पॉइंट की वजह से 0 आ गया, आंसर क्या आ गया, 0.094। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट,
61.002। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उसके नीचे क्या आता है, वन, और आगे जितने नंबर हों उतने ज़ीरो आ जाते हैं। ये होल नंबर क्या लिखा हुआ है, 61, तो 61 को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 0.002, और इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे, नीचे क्या है, वन, आगे कितने नंबर हैं, थ्री नंबर है, 1, 2, 3, तो कितने हमने ज़ीरो पुट किए, 3 ज़ीरो पुट कर दिए। इसको कैसे लिखेंगे आप, शुरू के ज़ीरो तो अब काउंट नहीं होंगे, तो 61 होल 2 बाय 1000, इसका ए पार्ट था। सेम ऐसे बी पार्ट 18.56, अब इसको 18 होल नंबर है, यहाँ लिख देंगे और 0.56, पॉइंट ख़त्म किया, 1, क्या गया 100, तो 18 होल 56 बाय 100, ये आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अब इसका एक दो पार्ट और कर लेते हैं, बल्कि एक और करते हैं। 7 ई पार्ट है, 754.812, तो 754 ये तो होल नंबर आ गया, 0.812, और पॉइंट को ख़त्म किया नीचे, 1, आगे 3 ज़ीरो पुट कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 754 होल 812 डिवाइडेड बाय 1000, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वाइस, ये हम बुक पे सॉल्व कर लेते हैं कि आपने इसको कंपैरिजन करना है। देखिए पॉइंट की जो वैल्यू होती है, पॉइंट में जो गिवन वैल्यू है वो 1 से लेस होती है, 0.607 इज़ लेस देन 1, लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं होता तो फिर 607 इज़ ग्रेटर देन 1 होता, पॉइंट की वजह से ये वैल्यू इससे लेस हो गई। 5.983 इज़ ग्रेटर देन 5.398, ये लेस देन, 7.56 इज़ लेस देन, अब 567 है, ये भी 56 यहाँ तक सेम है, तो आगे यहाँ पे 0 है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू इससे लेस है। 2.01 दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस, ये दोनों सेम हैं तो इक्वल का साइन आ जाएगा, और ये 0.04 इज़ ग्रेटर देन 0.4, सेम ऐसे ही ये आप इसके नेक्स्ट पार्ट भी कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जिसमें हम अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो 0.43, 0.07, 0.19, 0.34, 0.67, इसको हमने अरेंज करना है किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू देखें यहाँ पे कौन सी है, 0.07, उसके बाद 0.19, फिर 0.34, 0.43 और 0.67, अरेंज फॉर्म में लिखेंगे 0.07, 0.19, 0.34, 0.43 और 0.67, ये था असेंडिंग ऑर्डर। और बाकी इसके टू पार्ट्स आप कीजिएगा, ये इसके टू पार्ट्स यहाँ पे भी सॉल्व हुए हुए हैं, अगर आपने हेल्प लेनी हो। और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको हमने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट टू लार्जेस्ट। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या गिवन है, पहले वैल्यूज़ लिख लूँ, 1.96, 2.01, 2.1, 1.9 और 2.13, अब अरेंज करके लिखना है, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे बड़ी ये है 2.13, देन 2.1 और फिर 2.01 और फिर आएगी 1.96 और फिर 1.9, कितने वैल्यू से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज में हमें इसको अरेंज कर लिया। इसका एक और पार्ट देखें, बी पार्ट 6.06, 6.6, 6.006, 0.66 और 0.06, अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 6.66, फिर उसके बाद ये सेकंड, ये फर्स्ट वाली 0.6, अब 6.006, अब कौन सी रह गई, 0.6,
0.66 और 0.06। आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पीरियड इंशाल्लाह हम 5.3 करेंगे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।